क्या आप जानते हैं कि बाई करवट पर सोना हेल्थ के लिए बेहतर माना जाता है? इससे हार्ट पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता और वो बेहतर तरीके से काम कर पाता है। बाई तरफ सोने से आपके पाचन पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपको स्किन पर एलर्जी, दांत, खाज की दिक्कत हो तो नीम की पत्तियों का पानी उबालकर उसे गुनगुना करके उस पानी से नहाएं। आप सिंपल पानी से नहाने के बाद नीम की पत्तियों का पानी अपने शरीर पर डाल लें। इसके अलावा नहाने की कुछ देर बाद शरीर पर नारियल तेल की मालिश करें। अगर फिर भी स्किन की एलर्जी ना जाती हो तो खून का टेस्ट ज़रूर करवाएं। स्किन एलर्जी वाले लोग जितना हो सके गर्मी से बचें, क्योंकि स्किन की एलर्जी कुछ लोगों को गर्मी के दिनों में ज़्यादा होती है और ठंड में ख़त्म हो जाती है। कच्चे ताज़ा दूध की कुछ बूंदें ग्लिसरीन में डालकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं और चेहरे पर निखार आता है। पाँव के भर बैठकर खाना मत खाएं, इससे बुढ़ापा जल्दी आता है, क्योंकि पाँव के भर बैठने से सीधा असर हमारे दिमाग में पड़ता है। रोज़ाना सोने से पहले गाय के दूध में सौंफ डालकर पी लिया करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। दूध जब भी पीना, खाना खाने के एक घंटे बाद ही पिए। बच्चों को दूध ज़रूर पिलाना, क्योंकि इससे उनकी हड्डियाँ मजबूत होती है और लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है। दूध को थोड़ा पतला करके ही पिए, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा दूध भी खराब कर सकता है। जो महिलाएं सुबह उठते ही नींबू पानी का सेवन करती हैं, उनके चेहरे पर दाग धब्बे, पिंपल्स की शिकायत नहीं होती है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उन्हें सुबह उठकर सैर करनी चाहिए और ताज़ी हवा में लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए। इससे उनका डिप्रेशन कम होगा और दिमाग को ताजगी मिलेगी। जो औरतें मोटापे का शिकार होती हैं उन्हें अपने डाइट में शिमला मिर्च और खीरे का सेवन ज़रूर करना चाहिए और जितना हो सके घर का काम करें, इससे उनका मोटापा कम होगा। ब्लड प्रेशर के मरीजों को कभी डालडा घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा तेल का ही सेवन करें। अगर सिर में जुए पड़ जाए तो नीम के पत्तों को उबालकर उस पानी से सिर को धोएं और अखरोट का तेल बालों में लगाएं, इससे जुए मर जाती हैं। रात को सोने से पहले चेहरे को साफ पानी से धोना चाहिए। स्किन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए पानी काफ़ी आवश्यक होता है। इसके लिए आप हमेशा रात को सोने से पहले ठंडे और साफ पानी से अपने स्किन को साफ करके ही बिस्तर पर सोने के लिए जाएं। अगर आपको चेहरा हमेशा साफ सुथरा रखना है तो हफ्ते में एक बार करेले का जूस या नीम के पत्तों का जूस ज़रूर पिए। ये हमारे चेहरे को भी निखारता है, जिससे फोड़े फुंसी और दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। अगर पेट का दर्द कम ना हो रहा हो तो पानी में अजवाइन उबालकर और उसमें काला नमक डालकर गुनगुना करके पी लें, इससे आपको काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। अगर ज़्यादा खाने की वजह से पेट खराब हो तो अदरक चबाकर खा लो। अगर आँखों में धुंधलापन नज़र आने लगे तो सुबह उठते ही आँखों में सुरमा ज़रूर लगाएं। आप काजल का इस्तेमाल करें या आपके लिए बेहतर होगा। खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, ऐसा करने से व्यक्ति को मोटापे की समस्या हो सकती है। अगर आपके सर में रोज़ दर्द रहता है तो पालक खाना छोड़ दें। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो हरी चाय पी। अगर आपको पीले रंग का पेशाब आता है तो आप अंदर से स्वस्थ नहीं हैं या आप पानी कम पी रहे हैं। अगर आपके पेट में एसिडिटी बनने की प्रॉब्लम है तो रोज़ाना सुबह खजूर का सेवन करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप रात के समय उबले हुए आलू का सेवन करते हैं तो इससे बवासीर हो सकती है। अस्थमा की शिकायत होने पर करेला बेहद फ़ायदेमंद होता है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे लंबे समय के लिए ये बीमारी दूर हो जाती है। दमा रोग में करेले की बगैर मसाले वाली सब्जी खाने से लाभ मिलता है। पेट में गैस बनने और अपच होने पर करेले के रस का सेवन करना चाहिए। ताज़ी नीम की पत्तियों का रस निकालकर गुलाब जल के साथ मिलाकर चेहरे पर रोज़ाना रात को सोने से पहले लगाएं। ऐसा करने से चेहरे के दाने, पिंपल्स और उनके निशान गायब हो जाते हैं। अदरक का पानी पीने से खून साफ रहता है, जिसका असर त्वचा पर बढ़ती चमक के रूप में दिखाई देता है। साथ ही ये पिंपल्स और स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से बचाता है। बार बार उल्टी होने पर बर्फ़ चूसने से उल्टी आना बंद हो जाती है। खाना खाते समय खाने को सूंघना नहीं चाहिए, इससे बदहजमी होती है। शरीर का डाइजेशन सिस्टम खराब होने पर कब्ज और एसिडिटी की परेशानी होती है। ऐसे में गुड़ और चना खाएं, इसमें फाइबर होता है जो पाचन शक्ति को ठीक रखता है। लकवा या पैरालिसिस में भी करेला बहुत कारगर उपाय है। इसमें कच्चा करेला खाने से रोगियों के लिए लाभदायक होता है। करेले की पत्तियाँ या फल को पानी में उबालकर इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और किसी भी प्रकार का संक्रमण ठीक हो जाता है।
दूध में शहद मिलाकर रोजाना पीने से आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। बकरी का दूध पीने से थकावट नहीं होती और शरीर को ताकत मिलती है। खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से पेट संबंधित रोग दूर रहते हैं और उम्र भी लंबी होती है। अगर कोई इंसान ज्यादा चावल का सेवन करता है तो उसे दमे की बीमारी हो सकती है। अगर घर में मच्छर मक्खियाँ ज्यादा आती है तो पानी में नमक मिलाकर घर का फर्श धोने से मच्छर मक्खियाँ नहीं आएंगे। किडनी की समस्याओं में करेले का उबला पानी या करेले का रस दोनों ही लाभकारी होते हैं। ये किडनी को सक्रिय कर हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर करने में मदद करता है। पुदीने की चटनी बनाकर खाने से शरीर में थकावट नहीं होती और इससे भूख भी बढ़ती है। खाना खाते समय कच्चा प्याज खाने से दिल की धड़कन बेहतर होती है। रोजाना सुबह खाली पेट पैदल चलने से उम्र बढ़ती है। शरीर में कमजोरी हो तो मुनक्का का सेवन करने से शरीर में ताकत आती है। अगर पेट में दर्द की समस्या है तो पुदीने के पत्ते चबा लें, इससे पेट दर्द में आराम मिल जाता है। अगर आपके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगे तो दूध में 1 से 2 खजूर उबालकर सेवन करना शुरू कर दें। घुटनों के बल ज्यादा देर बैठने और काम करने से घुटने खराब हो जाते हैं। ज्यादा चाय पीने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। कच्ची रोटी और कच्चे फल खाने से दिमाग कमजोर हो जाता है। गीले बालों में कंघी करने से बाल कमजोर होते हैं। दूध में इलायची डालकर पीने से शरीर की थकावट दूर होती है। सौंफ का सेवन करने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। यदि आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो कभी भी खाना बनाते समय उसमें नींबू का रस ना डालें। अगर कमर दर्द की समस्या से परेशान है तो रोजाना दोपहर को थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ लेने से दर्द में आराम मिल जाएगा। अगर जूते पहनने की वजह से पाँव पर धब्बे पड़ गए हो तो इसके लिए 3 से 4 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर 1 cc में भर लें और रोजाना इसे पाँव के धब्बों पर मालिश करें। 10 मिनट बाद धो लें। कुछ दिन में धब्बे साफ हो जाएंगे। अगर भूख ना लगने का समस्या है तो गर्म पानी में काली मिर्च और नमक नींबू का रस मिलाकर पी लिया करें, इससे आपको भूख लगने लगेगी। जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी जूस को ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, ये कड़वा हो जाता है और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। गाजर का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। आप इसे जूस, मुरब्बा या कच्ची गाजर किसी भी तरह से खा सकते हैं। कच्चा बादाम खाने से आंखों से संबंधित परेशानी होती है। सफ़ेद जीरे की सेवन से कैंसर का खतरा कम होता है। यह दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। केले के छिलकों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, इसे अपने चेहरे पर लगा लें, इससे आपका चेहरा निखर जाएगा। तकिए के कवर को हफ्ते में 2 बार अवश्य धोएं, वरना सर दर्द की दिक्कत बढ़ सकती है, साथ ही चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो हफ्ते में 1 बार बालों पर गर्म तेल की मसाज करें और भाप दें। गर्म तेल बालों को ड्राई होने से रोकेगा और उन्हें मुलायम कर देगा। रात को सोते समय बादाम के तेल की चेहरे पर मालिश करने से चेहरा चमकदार बनता है और झुर्रियाँ भी नहीं होती है। रात को मेथी भिगो दें और सुबह उसमें दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और अपने चेहरे पर लगाएं, इससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और चेहरा चमकदार हो जाएगा। अगर हड्डियाँ कमजोर हो तो अपने खाने में करौंदे का सेवन करें, क्योंकि करौंदे में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। पैरों के तलवों में विक्स लगाकर सोने से सीने का कफ दूर होता है और सर्दी जुखाम से भी राहत मिलती है। सेब खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे गले में दिक्कत हो सकती है। कच्चे लहसुन का स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके सेवन से हमारे फेफड़ों में सूजन, संक्रमण और घाव जैसी समस्या नहीं होती है। ज़्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी सब्जी में ऊपर से नमक ना डालें। रोजाना भुने हुए चने खाने से दिमाग ताकतवर बनता है। कच्चे आम के छिलकों का काढ़ा बनाकर रोजाना 1 चम्मच पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। यदि आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो सुबह उठकर परिंदों को पीने के लिए ताज़ा पानी रख दिया करें। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यदि सरसों का तेल बालों में लगाते हैं तो ये बालों को जल्दी सफ़ेद होने से रोकता है। रोजाना सुबह हरी रंग की चीज़ों को देखने से नज़र तेज़ होती है। अगर बदहजमी से बचना हो तो खाने को धीरे धीरे और चबा कर खाएं। आलू बुखारे का शरबत पीने से चेहरे पर चमक आती है। साग के अंदर मक्खन डालकर खाने से रात को बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम दूर होती है और शरीर एकदम फिट रहता है। सूखा पुदीना शरीर पर रगड़ने से शरीर के दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। देसी घी का इस्तेमाल करने से आपका शरीर ताकतवर और मजबूत हो जाता है और शरीर के दर्द में भी राहत मिलती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है।
किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी जानकारी और टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।